अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर तो प्रदर्शनकारियों से भड़क गए ने। ट्रंप ने कहा कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत तो पिछों हिंसक हुए प्रदर्शनकारियों ने महात्मा गांधी के बुत नूं भी नहीं बख्शिया। उन्हें एक बार फिर प्रदर्शनकारियों नूं ठग्गां दा झुंड दस्सिया। दस दईए कि इसे साल 25 नूं मिनीपोलिस विच एक गोरे पुलिस मुलाजम ने 46 साल अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड नूं हथकड़ी लगा के जमीन ते सुट दिता सी अते उसके गले नूं अपने गोडे नाल करीब 8 मिंटां तक दबा के रख्या सी, जिस नाल उसकी मौत हो गई सी। इस घटना का वीडियो वायरल होने तो पिछों पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए सन। इसे क्रम में पूरे देश में भन तोड़, लुटमार और अगजनी कुछ घटनावां भी घटियां। मिनीसोटा में एक चोण रैली दौरान ट्रंप ने कहा कि जदों प्रदर्शनकारियों ने इब्राहिम लिंकन के बुत को नुकसान पहुँचाया तब मैं कहा कि यह लोग होर भी अगे जा सकते हैं। इस पिछों उन्होंने लोगों ने जॉर्ज वाशिंगटन और थॉमस जैफरसन के बुत को भी नुकसान पहुँचाया। मिनीसोटा में ट्रंप ने वाशिंगटन में लगे महात्मा गांधी के बुत का भी जिक्र किया, जिसनों अणपछाते शरारती तत्ता ने देश पदरी प्रदर्शन दौरान निशाना बनाया। ट्रंप ने कहा कि गांधी सिर्फ एक ही चीज़ चाहते सन और वह है शांति, इन्ह प्रदर्शनकारियों ने तो महात्मा गांधी के बुत को भी नहीं छड़िया। असीं अजिहे लोगों को पसंद नहीं करते। मैनू नहीं लगता कि उन्होंने इस गल का एहसास नहीं होगा कि वह की कर रहे हैं। सही मायने में वह प्रदर्शनकारी नहीं ठग्गां का एक झुंड सी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहला ही एक कार्यकारी आदेश से दस्तखत किए हैं जिस विच अजिहे शरारती तत्तां लई 10 साल की कैद की व्यवस्था है। हुण कोई भी शरारती अंसर बुत्तां नूं डेगण की गल भी नहीं करता। दस दईए कि भारतीय दूतघर ने नैशनल पार्क पुलिस और अमेरिकी विदेश मंत्रालय की मदद नाल बुत नूं दुबारा स्थापित कर दिता है। महात्मा गांधी बारे ट्रंप के इस बयान नूं राष्ट्रपति चोणां नाल जोड़ के भी वेख्या जा सकता है, क्योंकि इन्नी दिनी राष्ट्रपति अहुदे दे दोवें उम्मीदवार भारतीयों नूं लुभाउण विच लगे हुए ने। मिनीसोटा वह सूबा है जिथे साल 2016 विच ट्रंप 44,000 वोटां नाल हार गए सन। सो इस गल का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है कि घटना तो इन्ने दिनों बाद ट्रंप का महात्मा गांधी बारे बोलना क्यों जरूरी हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, वर्ल्ड पंजाबी टीवी।